प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गाय से मिलने वाले अमृत तत्वों के बारे में, जिसे कहते हैं पंचगव्य। क्या होता है ये पंचगव्य और इसका प्रयोग क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि उनके लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों कहा गया है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है। वर्तमान समय में भी व्यवसाय का एक बड़ा वर्ग गौ माता पर या गाय पर निर्भर करता है। धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि गाय में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय को अपने भोजन का एक कौर, एक हिस्सा जिसे गोग्रास कहते हैं, ये खिलाने से अनंत दान का पुण्य प्राप्त होता है। यानी गाय की सहायता करने से, गाय की सेवा करने से, गाय की देखभाल करने से पुण्य प्राप्त होता है, ये बात हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। पंचगव्य क्या होता है और पंचगव्य के प्रयोग क्या हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, काम की अधिकता इस समय रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव रह सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पंचगव्य है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, गाय से मिलने वाली 5 चीजें अत्यंत पवित्र और लाभकारी मानी जाती हैं। गाय से प्राप्त होने वाली ये 5 चीजें हैं दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर। इन 5 चीजों को पंचगव्य कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके से विशेष लाभकारी होती हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब आपको बताते हैं कि गाय के पंचगव्य में जो पहली 3 चीजें हैं, दूध, दही और मक्खन, इसका प्रयोग क्या है और इसके लाभ क्या हैं? गाय का दूध और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बल्कि पोषण प्रदान करते हैं। ये दूध पचने में आसान होता है
और स्वर्ण तत्व से युक्त होता है, इसीलिए गाय के दूध का नियमित प्रयोग अन्य दूध की तुलना में ज्यादा लाभकारी होता है। इससे बनने वाले दही और मक्खन ऊर्जा और पाचन तंत्र के लिए वरदान है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक स्थिति अच्छी होती जाएगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब पंचगव्य की अंतिम चीज के बारे में भी बात करेंगे, गोमूत्र के बारे में और गाय के गोबर के बारे में। गोमूत्र का लाभ क्या है ये भी जानते हैं। गाय के मूत्र में तमाम खनिज और औषधीय तत्व पाए जाते हैं और ये छोटे से लेकर के बड़े रोगों को ठीक रखने की क्षमता रखता है। गाय का मूत्र अपने विशेष गुणों के कारण हृदय रोग और कैंसर में लाभकारी होता है। गोमूत्र का विशेष तरीके से सेवन भी किया जाता है और जल में गोमूत्र डाल करके स्नान भी किया जाता है और दोनों ही लाभकारी होता है। अब जानते हैं गाय के गोबर के बारे में और इसके लाभ के बारे में। गाय के गोबर से घर की सफाई होती है और उपलों का निर्माण होता है। गाय का गोबर कीटाणु नाशक तो है ही, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोख लेता है। गाय का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। गाय के गोबर से बने उपलों पर अगर आप हवन करते हैं या इसका धुआं करते हैं तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने की वस्तु का दान करें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में रुकावट हो सकती है, धन आपका फंस सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल
भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा यानी दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।